हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आखिर हमने हटा ही दिया। माफ कीजिएगा मैडम, ये एक पुश्तैनी मकान है, नरपत जी का खरीदा हुआ नहीं। इस घर से जुड़ी हर डील में गायत्री जी की रजामंदी लेना बेहद जरूरी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज घर जाइए। मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक ये कावेरी वहां रहेगी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो उसने घर छोड़ दिया। बात ये है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए आप लोग यहाँ? जो कुछ भी हुआ वो मेरे और इनके बीच की बात है। आप लोग क्यों जानना चाहते हैं वो सब? तुम हमारी बेटी हो सलोनी, हम तुम्हें यूं तड़पता नहीं देख सकते। औलाद के दुख को सहने की शक्ति अब तक किसी माँ बाप को ईश्वर ने नहीं दी है सलोनी। आपके इस कदम से मेरा दुख कम नहीं होगा मम्मी, बढ़ेगा ही। ब्रजेश साहब, आप ही से समझाइए हमारे दिल का हाल। अगर कोई ऊंच नीच हो गई है तो बड़ों के बात करने से सुलझेगी ही ना मम्मी। बस इन बातों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आप लोग चलिए यहां से प्लीज। सलोनी बेटा, मैं नहीं जानती कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं भगवान को तब तक सताती रहूंगी जब तक आप दोनों की जोड़ी फिर से एक ना हो जाए। अपने परिवार के यहाँ आकर आप सबको दुविधा में डालने के लिए मैं आप सब से माफी मांगती हूँ।
इसे कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहा है। ये कैसी परीक्षा है मन्नू भाभी, कि एक माँ को उसकी बेटी के दर्द की वजह नहीं पता है। आखिर सलोनी अपनी जिंदगी के तूफान के बारे में हमें बता क्यों नहीं रही? मन्नू भाभी, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितनी हम सोच रहे थे। बात चाहे जो भी हो देवरानी साहब, लेकिन अगर नाहर बनना या उसके परिवार के किसी भी इंसान से कोई गलती हुई है तो सलोनी की तकलीफ के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे ही कहने पे तो ये रिश्ता जुड़ा था। ऐसा मत कहिए मन्नू भाभी, आपने तो अपनी तरफ से सलोनी की भलाई ही चाही थी। तकदीर से कौन जीत सका है, पर हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मन्नू भाभी अपनी गलतियों का ठीकरा तकदीर के सर पे फोड़ने वालों में से नहीं है। सलोनी की जिंदगी में जरूर कोई तूफान आया है जिसने उसके घरौंदे के तिनके तिनके कर दिए हैं। मैं इस तूफान को जाने बिना चैन की सांस नहीं लूंगी। अब बात बिल्कुल सही कह रही हैं मन्नू भाभी, हमें हिम्मत हारने की बजाय सच तक पहुंचना होगा। राजपुताने घराने के लड़के ऐसे हिम्मत नहीं हारते, कर्म करते हैं। किस्मत पर रोने के बजाय किस्मत से लड़। जिंदगी ऐसे घुटने टेक कर रेंग रेंग कर नहीं काटी जाती नाहर। चल उठ खड़ा हो, जा सलोनी के पास, माफी मांग उससे और एक बार फिर से अपनी दुल्हन को इस घर में वापस ला। वो नहीं आएगी बाबू। तू ऐसे कायरों की तरह यहाँ बैठा रहा तो सचमुच में वो वापस नहीं आएगी। मैंने इस दिन के लिए नहीं पाला था तुझे कि लड़ाई होने से पहले ही तू अपनी हार मान बैठे। तेरी रगों में मेरा खून ना सही, मेरे संस्कार तो हैं। नाहर अगर सलोनी से अकेले में मिला तो हो सकता है कि नाहर के आंसू सलोनी के गुस्से को बहा कर ले जाए। ऐसा होने से रोकना होगा। सलोनी के दिल में नाहर के लिए इतनी नफरत भरनी होगी कि नाहर की कही हर बात सलोनी को झूठ लगे, धोखा लगे। मां, शुभ्रा सलोनी के लिए पानी लाना जरा। एक मिनट दीदी, हुआ क्या था, कहां गई थी आप? सलोनी, काकी सा, हम तुझसे बात करना चाहते हैं अकेले में। सॉरी फिर से चले आए, लेकिन क्या करे सलोनी, तेरे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। ऐसा शायद ही कोई पल होगा जब तेरी याद दिल में दर्द न जगा जाती हो। मैं भी कैसे जी रही हूं काकी सा, ये मेरा दिल ही जानता है। कहने को तो कहा है कि उस घर से खाली हाथ निकल रही हूं, लेकिन इतनी सारी यादें साथ लेकर आई हूं कि एक पल भी सुकून से नहीं रह पाती। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा काकी सा, क्यों उठा ये तूफान मेरे जीवन में, क्यों किया नाहर ने ऐसा? तेरा दर्द हम समझ सकते हैं बेटे, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ उस पर किसी का जोर नहीं चलता। क्या हुआ था काकी सा, कैसे हुई चांदनी की मौत? मत पूछ हमें सलोनी, मत पूछ। अगर हमने तुझे सच बता दिया तो दीवानगी की सारी हद पार किया हुआ नाहर का असली चेहरा तेरे सामने आ जाएगा। हम तो वहां मौजूद थे, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। फिर भी अगर हमारा दिल आज तक ये सच मानने को तैयार नहीं, तुम कैसे मान सकोगी? काकी सा प्लीज, प्लीज बताइए मुझे। नहीं सलोनी नहीं, कुछ सच ऐसे होते हैं जो कब्र में दफन ही ठीक है। अगर उसे बाहर निकालो
तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यह सच चाहे जितना डरावना हो, मैं उसे जानना चाहती हूँ सलोनी। लेकिन प्लीज काकी सा, मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ सच क्या है, प्लीज बताइए मुझे। ठीक है, तेरी जिद के सामने हम मजबूर हैं, लेकिन तुझे हमसे एक वादा करना होगा सलोनी। ये राज राज ही रहेगा। किसी दिन अगर ये सच खुला भी, तो भी तू किसी को ये नहीं बताएगी कि ये बात हमने तुझसे कही है। आप जो चाहेंगी वही होगा, ये मेरा वचन है। तो सुनो, उस दिन की शुरुआत बहुत सुहानी हुई थी। जरा पैर धुला देना। जी मैम सर। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? नाहर इससे कुछ नहीं। चुप रहो, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। नाहर का जुनून, उसकी दीवानगी बढ़ते जा रहे थे। वो पागलों की तरह उस बेचारे माली को मारता ही जा रहा था। जाननी से देखा न गया, उसने कहा मत मारो बेचारे को इतना। ये सुनकर नाहर के अंदर की आग और भड़क उठी। उसने चांदनी पर बदचलनी का इल्जाम लगाया। उसने बहुत गंदे शब्दों में चांदनी को कहा कि वो माली कौन लगता है उसका। चांदनी के लिए उसके चरित्र पर और उंगली उठाना सहन नहीं हुआ। उसने नाहर से ये पूछा कि क्यों नाहर चांदनी का इतना अपमान कर रहा है। नाहर के सामने मुंह खोलकर चांदनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने जीवन की आखिरी गलती। We'll be right back.
किया हुआ सलोनी। काकी साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नाहर इतने निर्दयी हो सकते हैं। मुझे अफसोस है, नफरत है अपने आप से कि मैंने एक कातिल के साथ एक छत के नीचे अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। हम समझ सकते हैं सलोनी, तेरा दर्द हम समझ सकते हैं, इसीलिए शायद इसीलिए हम ये हिम्मत न जुटा पाए कि तुझे हक से कहें कि घर वापस लौटा। आज के बाद मेरे लिए उस घर में लौटने के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए काकी साहब। सलोनी, हमने तुझे जन्म नहीं दिया, बस इतनी कसर बाकी रह गई है तुझसे एक बेटी का रिश्ता होने में। बस इतनी इजाजत दे दे हमें कि जब भी तेरी याद आए हम तेरे पास आ सके। क्यों ये दिल मानने के लिए तैयार नहीं कि नाहर कातिल है, जबकि नाहर ने खुद मेरे सामने अपना गुनाह कबूल किया था। क्यों? क्या हुआ सलोनी? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं प्लीज। हेलो नील, नील मुझे सलोनी से बात करनी। जी एक मिनट, सलोनी नाहर का फोन है। कहिए। सलोनी, सलोनी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है तुमसे, और फोन पर नहीं कर सकता हूँ। सलोनी अगर जिंदगी में तुमने मुझे एक पल के लिए भी चाहा तो तुम्हें उसे एक पल का वास्ता, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। सलोनी प्लीज, सिर्फ एक बार मिल लो। जी ठीक है, मैं आती हूँ। सलोनी नील, मुझे जाना है, जाना ही होगा। मैं जानता हूं सलोनी की मुझसे गुनाह हुआ है, इस गुनाह की यादें मुझे दिन रात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सलोनी मेरी जिंदगी का एक सच ये भी है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लौट आओ सलोनी, प्लीज मेरे पास लौट आओ। सिर्फ अपने गुनाह को स्वीकार कर लेने से आपको शांति नहीं मिलेगी। इस ग्लानी से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आप अपने गुनाह के लिए प्रायश्चित ना कर ले या अपने गुनाह की सजा ना पा ले। क्या करूं मैं सलोनी, करूं क्या जो इस घटन से बाहर निकल सकूं? अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, अपने किए की सजा नहीं पाएंगे तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सलोनी, अगर मैंने ऐसा किया
क्या तुम मेरे पास लौट आओगी? क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या सलोनी वापस नहर की हो जाए? बोलो सलोनी, बोलो। इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार, मौत कम से कम दम निकलते वक्त इस बात का एहसास तो रहेगा कि मेरी सलोनी मेरे साथ। जवाब दो सलोनी, सलोनी जवाब दो। मैं आपसे इसलिए अलग नहीं हूं क्योंकि आप कातिल हैं, बल्कि इसलिए हूं क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने सिर्फ जानी का ही नहीं, मेरे भरोसे, मेरी तपस्या का भी कत्ल किया है। आज मेरे सारे भ्रम टूट गए हैं। सलोनी ऐसा नहीं। इस बारे में बहस का कोई फायदा नहीं है नाहर। आपका अपने पत्नी के लिए गुनाह और मेरा फैसला, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं आज आपकी जिंदगी में नहीं हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं आपके दिल में नहीं। ये सच है कि मैंने आपको चाहा, बहुत चाहा, इसलिए आपके दिल का दर्द समझती हूँ। उसी दर्द से मुक्ति दिलवाने के लिए मैं आपको प्रायश्चित और सजा के लिए कह रही हूँ। इसके आगे जो आप ठीक समझें।